बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको बताते चलें कि मशहूर अदाकारा रेशम शादी कर रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, मशहूर अदाकारा रेशम यूँ तो आजकल फिल्मी स्क्रीन से गायब हैं, ताहम वो इसके बावजूद फैशन और शोबिज इंडस्ट्री के दीगर प्रोग्राम में नज़र आती हैं। अदाकारा रेशम ने एक बार फिर इस अज़म का अहादा किया है कि वो आइंदा साल 2020 में पिया घर जाएंगी। रिपोर्ट में बताया था कि अदाकारा रेशम ने इस बात की तस्दीक की है कि वो साल 2019 के अख्ताम तक शादी कर लेंगी। अदाकारा ने इस बात की भी तस्दीक की थी कि वो किसी शोबिज शख्स से नहीं बल्कि कारोबारी शख्स से शादी करेंगी। ताहम उन्हें अपने होने वाले जीवन साथी से मुतल्लिक मजीद कोई तफसीलात नहीं बताई थी। साल 2019 के अख्ताम तक शादी ना करने के हवाले से जब अदाकारा से एक वेबसाइट ने पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो आइंदा साल तक शादी कर लेंगी। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा रेशम इस साल 51 बरस की हो गई, ताहम कुछ मसाइल और मुश्किलात की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब उन्होंने इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेशम ने इस बात की तस्दीक की है कि वो साल 2020 में ही शादी कर लेंगी। ताहम उन्होंने अपने होने वाले जीवन साथी से मुतल्लिक कोई वजाहत नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा रेशम समझती हैं कि इनकी शादी का दुरुस्त वक्त हो चुका है और इन्हें जिंदगी को परजोश और परसुकून बनाने के लिए अब शादी करनी चाहिए। अदाकारा ने यह भी कहा कि इन्हें अच्छे जीवन साथी की तलाश में वक्त लगा, ताहम अब इनकी ये तलाश खत्म हो चुकी है और 2020 में वो दुल्हन बनेंगी। नाज़रीन, ख्याल रहे कि रेशम ने फिल्मों के अलावा टीवी ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, साथ ही वो मॉडलिंग भी करती दिखाई दी। शानदार परफॉर्मेंस पर उन्होंने मुतादिद अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। अदाकारा रेशम की शादी के हवाले से अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।